सांखला बैंगलोर मंच पर पधारे, श्री आयदान राम जी भाटी नागौर से पधारे हैं, मंच पर पधारे। हीरालाल जी भाटी जिला महामंत्री कांग्रेस नागौर, मंच पर पधारे। अब वक्त आ गया है जब आज की इस खुशनुमा शाम के लिए आज के हमारे सितारे श्री अशोक जी गहलोत मंच की ओर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता। ऐसे अनमोल रत्न हमारे नागौर रत्न राजस्थान रत्न श्री अशोक जी गहलोत साहब मंच पर पधार चुके हैं। बाहर जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं सभी से मेरी पुरजोर विनती है कि सभी अंदर आ जाएं। जो भी हमारे भाई लोग बाहर खड़े हैं सभी अंदर आ जाएं। अच्छे सुगुन के लिए अच्छी बारिश, और बारिश के लिए कहते हैं कि बारिश जरा थम के बरस, बारिश जरा थम के बरस, जब सारे प्रवासी आ जाएं तो जम के बरस। बारिश जरा थम के बरस, जब सारे प्रवासी आ जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतनी बरस कि वो जा ना सके। बारिश ने भी एक खुशनुमा माहौल सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना को समर्पित है। अब कुछ पंक्तियां आप सबके सालियां इतनी बजनी चाहिए कि रुके रुके रुके, तालियां इतनी बजनी चाहिए मेरे पंक्तियों के बाद में कि माननीय श्री अशोक जी क्या होगी पूरी, अशोक जी गहलोत को आवाज तो दो। रोटी कपड़ा रुकिए, रोटी कपड़ा रोजगार और दवाई की जरूरत होगी पूरी। रोटी कपड़ा दवाई और रोजगार की जरूरत होगी पूरी, बस उस सपने को साकार करने के लिए एक जोरदार सुर। नगर परिषद के चेयरमैन श्री कृपाराम जी सोलंकी स्वागत भाषण के लिए मंच पर पधारे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, माहौल को खुशनुमा करना है। जब आज खुद इंद्र देवता हमारे ऊपर मेहरबान है तो आप सबकी मेहरबानी पूरी चाहिए। परम सम्मानीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एंड उत्तम कुमार जी रेड्डी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एंड उत्तम कुमार जी रेड्डी व अन्य अतिथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष तौर पर हैदराबाद से जब चेन्नई गहलोत साहब के कार्यक्रम में पहुँचे प्रवासी बंधु, और चेन्नई से भी हमारे प्रवासी बंधु आए, उनका भी स्वागत। जय राजस्थान, जय तेलंगाना। अब हम अगली कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए मैं हैदराबाद के निवासियों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखी है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई हैदराबादियों जैसा अनमोल नहीं होता। आप सभी के इस अनमोल सपोर्ट को अपने किरदार में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और अब लिए मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब पधार चुके हैं। इन्होंने राजस्थान की धरती के लिए न सुबह देखी न शाम देखा, न दिन देखा, न अपना खाना देखा, न अपना पीना देखा। एक सच्चे ईमानदार मुख्यमंत्री का कार्यकाल दो दो बार कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी आपने बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ राजस्थान के जहां भी मिले जिनसे भी मिले, हर आदमी यही कहता
कि आप माननीय श्री अशोक जी गहलोत हैं जिन्होंने ये करके दिखा दिया कि राजस्थान से करूंगा। ऐसे नायक, ऐसे महानायक, ऐसे इंसान के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। श्री माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामलाल जी देवड़ा एवं श्री जसराज जी सिरवी, कृपया मंच पर पधारें। थोड़ा जल्दी पधारें, समय की एक एक मिनट की कीमत को ध्यान में रखते हुए जल्दी मंच पर पधारें श्री रामलाल जी देवड़ा एवं श्री जसराज जी साहब सिरवी। मैं श्रीमान अशोक जी गहलोत के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री उत्तम कुमार जी रेड्डी के बहुमान के लिए श्रीमान बाबूलाल जी पंवार एवं श्री महेंद्र जी चौधरी, कृपया मंच पर पधारे। माला एवं साल के लिए श्रीमान उत्तम कुमार जी रेड्डी के लिए बाबूलाल जी पंवार एवं महेंद्र जी चौधरी। दो दो बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल होते हुए भी जन सेवा का कार्य हमेशा आपने किया। बदलने के साथ में कई सारे कार्यक्रम रुक जाते हैं। श्रीमान लालचंद जी साहब कटारिया के बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान चांदमल जी सोलंकी एवं श्री सूरजमल जी पवार को, कृपया मंच पर पधारे। चांदमल जी सोलंकी एवं सूरजमल जी पवार मंच पर पधारे। कार्यक्रम बहुत बड़ा है और हमें सभी विशिष्ट अतिथियों को सुनना भी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आज हमारा ये प्रवासी राजस्थानी प्रवासी स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हमने किया है। और श्री सागर जी राय का आपके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामपाल जी देवड़ा एवं घनश्याम जी भाटी, श्री घनश्याम जी भाटी एवं रामपाल जी देवड़ा, कृपया मंच पर पधारे एवं श्री सागर जी राय का बहुमान करने के लिए। श्री सीताराम जी साहब पवार मंच पर पधारे एवं साथ में परसराम जी साहब परफा, कृपया मंच पर पधारे। हैदराबाद सिकंदराबाद का शहर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। श्री पुखरा जी साहब पारासर आपके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीनदयाल जी साहब पवार एवं जितेंद्र जी पवार, कृपया मंच पर पधारे, जो नागौर से विशिष्ट पधारे हैं। दीनदयाल जी पवार एवं जितेंद्र जी पवार जल्दी मंच की ओर आगे बढ़े। श्री महेंद्र जी चौधरी के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान ओंकाराम जी साहब सोलंकी एवं खरताराम जी साहब सिरवी, कृपया मंच पर पधारे। श्री अनिल जी यादव आपके सम्मान के लिए, श्रीमान विकास जी गहलोत कृपया मंच पर पधारें। श्री श्री मदन जी प्रजापत पधारें।
जी का स्वागत है। श्रीनिवास गौड़ करेंगे बने और जाने वाले हैं। श्री प्रेम जी साहब राठौड़ आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं। राम प्रसाद जी भाटी कृपया मंच पर पधारें, परिहार मंच पर पधारें। एवं सुरेश जी परिहार कृपया मंच पर पधारें। सुरेश जी परिहार कृपया मंच पर पधारें। हुक्मी चंद जी साहब टाक कृपया मंच पर पधारें। एवं रामसाह सांखला आप भी कृपया मंच पर पधारें। कृपया मंच पर पधारें। श्री रामलाल जी साहब मेघवाल आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री रामलाल जी भाटी एवं श्री प्रेम जी पवार कृपया मंच पर पधारें। श्री नैन सिंह जी राजपुरोहित आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी अतिथियों का सम्मान, श्री कार्तिक रेड्डी साहब आपके आपका सम्मान करें। श्री कार्तिक रेड्डी साहब जो हमारे यहाँ के लोकल एमएलए साहब हैं, आप श्री अशोक जी गहलोत का सम्मान करना चाहते हैं। सिर्फ दो मिनट का यह कार्यक्रम है। सभी माननीय सम्मानीय मंच पर विराजित सभी अतिथि गणों का हम एक बार पुनः तेलंगाना हैदराबाद सिकंदराबाद राजस्थानी स्नेह मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत आपका स्वागत स्वागत एवं स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाना है। हर व्यक्ति चाहता है कि अशोक जी गहलोत का सम्मान करें। सभी को मौका मिलेगा। मुंदड़ा थैंक यू। श्री एन उत्तम कुमार रेड्डी साहब एमएलए एवं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना। आई वांट टू से सम फ्यू वर्ड्स ऑन यू सर। हिंदी में है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है जब प्यार भरा कोई रिश्ता मिलता है। तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है जब प्यार भरा कोई रिश्ता मिलता है। रोशन हो जाती है सारी जिंदगी जब जब जिंदगी में आप जैसा फरिश्ता मिलता है, आप जैसा फरिश्ता मिलता है। थैंक यू सर। यू आर ए पायलट, you have served Indian Air Force and now you are serving the Indian National Congress as the present president of Telangana. We want all good success for you, sir.
अब हम अपने कार्यक्रम के उस अहम कड़ी में हैं जहां पर आप सब लोग पिछले कई